सो गाइस, पानी पूरी पी के आई या खा के है? पी के आई या खा के है? पानी पूरी खाना है या पीना है? पीना ही या खाना है? अरे पानी पूरी में वो लिक्विड होता है ना, तो पी जाते हैं। और पानी पूरी को चबा के खाना, तो डेट मीन्स पानी पूरी शायद खा के आए। जो भी हो, पानी पूरी गले। सभी लोगों को मेरे चैनल पे, मैं हूँ श्रीलता। तो आज तो मैं किचन में खड़ी हूँ, बैकग्राउंड मेरा किचन का है, सो सॉरी। क्योंकि आज तो इतने प्यारे प्यारे खाना है ना, मतलब क्या बताऊँ, आज का चैलेंज ही इतना मजेदार है। मैं मतलब कुछ और जगह सिलेक्ट करूँ या क्या करूँ, या फिर सिर्फ खाओ वही बात है। तो जो भी हो, आज का चैलेंज होने वाला है बहुत ही मजेदार। बाय द वे, आप लोग कैसे हो, कैसे गाइस कैवरे हो, और क्या होता है, कैमो नैच हो, हाउ डू यू डू, That's all. बस अच्छे रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो, और क्या मजे करो। जो भी है आज का, आप लोगों ने टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे आज क्या चैलेंज है। आज का चैलेंज है स्ट्रीट फूड। जो भी हम स्ट्रीट में मतलब मिलता है, मतलब मेरी बातें भी हो जा रही है, जो भी हमें स्ट्रीट में मिलता है वही आज हम खाने वाले हैं सारा दिन। मतलब स्ट्रीट फूड किसे खाना पसंद नहीं है यार, सबको स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है। ऑयली हो, ज़्यादा ऑयली हो, कम ऑयल हो, जो भी हो, वो कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस खाते ही जाते हो, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि आज हम स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे, आज इतना ऑयली नहीं खाएंगे। जो भी हो, आज का चैलेंज होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, आने वाली है आप लोगों को बहुत ही मज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैलेंजिंग वीडियो। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में क्या लिया था मैंने स्ट्रीट फूड में, वो आप लोगों से शेयर करूँगी। फिर लंच, फिर स्नैक्स में देखते हैं क्या है नहीं है, और फिर डिनर के लिए थोड़ा बाहर जाने का प्लान है। अभी वही गेटअप में खड़ी हूँ, और मतलब इंट्रो उसी टाइम पर दिया है, तो बट ब्रेकफास्ट हो उसके पहले का है। तो आप लोग घूम के आइए, फिर मिलेगा आप लोगों को डिनर का मेन्यू, बहुत ही यम्मी डिलीशियस मेन्यू। चलिए घूमते हैं। सो गाइस, दिस वाज माय ब्रेकफास्ट, डोसा सांबा और सांबर चटनी, बड़ा टमाटर चटनी, बहुत ही टेस्टी था। और इसे खाने के बाद मुझे लंच में एकदम भी भूख नहीं थी, एकदम भी। सो गाइस, पानी पूरी पी के आई या खा के है? पी के आई या खा के है? पानी पूरी खाना है या पीना है? पीना ही या खाना है? अरे पानी पूरी में वो लिक्विड होता है ना, तो पी जाते हैं। और पानी पूरी को चबा के खाना, तो डेट मीन्स पानी पूरी शायद खा के आए। जो भी हो, पानी पूरी गटक कर आए हैं, और आने के टाइम स्ट्रीट फूड भी लेकर आए हैं। रात का जो है समोसा, वो तो नहीं खाने वाले, पर पानी पूरी उन्होंने पूरे इंजॉय करके खाई है, और इतने से मन नहीं भरता है। जो भी हो, रात को डिनर भी करना है, इसलिए लेकर आए हैं समोसे। तो अभी समोसे खाएंगे, उसके बाद हमारा चैलेंज खत्म, पूरा दिन का जो चैलेंज है खत्म। माय गॉड, बहुत अच्छा रहा आज का चैलेंज। स्ट्रीट फूड किसे खाना पसंद नहीं है, सबको खाना अच्छा लगता है रियली। और सच में मतलब अगर स्ट्रीट फूड सारा दिन या सारा महीना, पूरा महीना स्ट्रीट फूड ही खाना हो, तो मतलब मज़ा ही आ जाता है सच। बहुत अच्छा लगता है सबको खाने में, पर वो अनहेल्दी है। आज इतना अनहेल्दी खाना भी खा लिया, तो अब कल से दो दिन से पूरा हेल्दी खाना, पूरा एकदम डाइट में रहेंगे। क्योंकि चैलेंज के चक्कर में ना वेट शायद पुट ऑन कर रही हूँ मैं, तो अभी थोड़ा हेल्दी में करना है, हेल्दी वे में रहना है। जो भी हो, बहुत अच्छा था आज का चैलेंज। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और जितना हो सके जो लोग नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करो, नहीं तो जो अच्छे अच्छे न्यू न्यू मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं वो आप लोग मिस कर जाओगे। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार था, मुझे करने में बहुत मज़ा आया। तो फिर मिलेंगे एक नए चैलेंज के साथ, नए वीडियो में। बाय बाय। इतने बड़े बड़े समोसे खाने के बाद मुझे नहीं लगता डिनर में और कुछ लगेगा। अभी 9 बज भी गए हैं, लाने में भी लेट हो गया है, और स्नैक्स में मैंने पानी पूरी लिया था। मुझे पता है मैंने उसका क्लिप नहीं ले पाई, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि पानी पूरी जब सामने हो तब वीडियो लेना या फिर नहीं लेना, ये मतलब मुंह में इतना पानी आता है, तो अपने मुंह को, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो जो भी हो, पानी पूरी लिया था, और उसके साथ साथ हम मेथी के लड्डू लाए हैं। मेथी के लड्डू मिले थे हमें, और कुछ बेसन के लड्डू वगैरह कुछ थे, तो मैंने मेथी के लड्डू लिए हैं। विंटर है, विंटर में विंटर का मज़ा तो लेना चाहिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं समोसे विद चटनी। मेथी के लड्डू नहीं खाऊंगी आज, वो कल ही खाऊंगी। आज सिर्फ इनको खाकर अपना डे खत्म करने वाली हूँ। बाय बाय गाइस। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ज़रूर रिव्यूज़ देखे होंगे, जो कि मैंने अपने हेल्थ केयर, स्किन केयर, या फिर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे कुछ के रिव्यू करती रहती हूँ। मेरा जो फ़ोन था वन प्लस का भी मैंने रिव्यू किया है, और आज मैं करने वाली हूँ रेडमी नोट 8 प्रो का रिव्यू, मतलब अनबॉक्सिंग। रिव्यू नहीं करूँगी, नहीं कहूँगी, अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने नया फ़ोन लिया है, और आज ही वो मतलब हमने रिसीव किया है। तो ये
मैंने अनबॉक्सिंग से पूरा वीडियो निकाला है तो आप लोगों के लिए शेयर करना था आप लोगों से। तो बहुत ही अच्छा, मतलब इसका मैं क्या कहूँ, मैंने पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग चाहो, जो भी आप लोगों की जानने की मर्जी हो, आप लोग ज़रूर जूम करके देख लीजिएगा। मैंने एक से एक जो डिटेलिंग है अच्छे से मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। और इसका बैक कलर मुझे ज़्यादा पसंद आया, सबसे ज़्यादा अगर कुछ अच्छा लगा तो मुझे इसका बैक कलर बहुत अच्छा लगा, जो गामा ग्रीन है आप लोग देख सकते हो। मैं और भी अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को। और इसके साथ साथ जो भी डिटेलिंग है आप लोग ज़रूर पढ़कर देख सकते हो क्या क्या है नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। और ये हमें बहुत ही कम प्राइस में मिला है क्योंकि उनके पास वीवो 8 प्रो था, Y80 Pro, तो उनको एक्सचेंज करके उन्होंने ये फ़ोन लिया है। हमें बहुत ही कम प्राइस में ये मिल गया था और ऑफ़र भी चल रहा था अभी, तो बस आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत ही अच्छा मतलब लगा फ़ोन का जो बैक कलर है वगैरह वगैरह सब कुछ। और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी मैं इसमें डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। और जो भी प्रोडक्ट्स रिव्यू हैं और भी बहुत सारे आप लोग मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, मैं उनके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में डाल दूँगी, ठीक है। और जो भी मेरे चैलेंजेस वीडियोज़ हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मैंने अच्छे से इसको एकदम आप लोगों के लिए डिटेलिंग करके वीडियो किया है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और मैं चलती हूँ, आप लोग बने रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कुछ के साथ। बाय बाय।